हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम किड्स स्पेशल रेसिपी लेकर। आज हम इंस्टेंट चीज़ बर्स्ट परांठा बनाएंगे, वो भी 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए झटपट से देखते हैं उसके लिए हमने क्या क्या लिया है। तो उसके लिए हमने ये नॉर्मल जो हम रोटी का डो लगाते हैं उस तरीके से हमने डो लगा लिया है, इतना सा पोर्शन हमने ले लिया है। चलिए अब इसको बेल लेते हैं। नॉर्मल स्क्वायर परांठा जैसे आप बेलते हैं वैसे ही हमें बेलना है, बस थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमने डो लगाते वक्त भी नमक डाला था आटे में, और हम चीज़ स्लाइस ले रहे हैं ये भी सॉल्टेड होती है, तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालना है। इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, और जैसा कि नाम ही है चीज़ बस, तो चीज़ ऑब्वियस ज़्यादा ही जाएगा। हमने 2 स्लाइस लिए हैं पराठा बनाने के लिए, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 स्लाइस और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम ये ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश करके ब्लैक पेपर डालेंगे, आपके पास पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं फ्रेशली क्रश कर रही हूँ। थोड़े से हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं और थोड़ी सी हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है। बस अब कुछ नहीं करना, अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। चारों तरफ से इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। बस इसको स्क्वायर बेल लेंगे हम। तो ये देखिए हमने बेल लिया है, तवे पे हम थोड़ा सा 1 स्पून हम देसी घी डालेंगे। बस इसको हल्के हाथ से उठाएंगे हम और ये तवे पे डाल देंगे। अब ये एक साइड से सिक गया है तो हम साइड पलट देंगे। तो एक साइड से सिक गया है, हम ये देसी घी लगा रहे हैं, आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब साइड पलट कर हम दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। तो बस ये चीज़ बस परांठा बनकर तैयार है। तो अब इस पे आप बटर लगा लीजिए। तो चलिए आपको कट करके भी दिखा देते हैं। ये हमने पिज़्ज़ा कटर लिया है, ये देखिए। चलिए आपको टेक्सचर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा चीज़ बस परांठा बनकर रेडी हो गया है। आप भी बनाएं, ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में देना ना भूलें। चलिए सर्व करते हैं। है ना कितना टेम्प्टिंग, इस तरीके से बनाकर 5 मिनट में बनाकर तैयार हो जाएगा, आप बच्चों को खुश कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।